नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, अगर आप भी 2024 में केदारनाथ और चारों धाम करना चाहते हैं, और सबसे मेन जो चार धाम यात्रा करने के लिए होता है रजिस्ट्रेशन होता है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। वैसे तो ऑफलाइन भी होता है, लेकिन ऑनलाइन घर बैठे आप कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं और करके दिखाते हैं आपको अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अगर आप भी कर रहे हैं इस साल चार धाम यात्रा या केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा, तो रजिस्ट्रेशन कराना तो जरूरी है। चाहे आप किसी भी धाम की यात्रा करें, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको भी केदारनाथ धाम या बद्रीनाथ धाम या चार धाम की यात्रा करनी है, तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। यात्रा 10 मई से शुरू होगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो गए हैं। और अगर आप बाद में करेंगे तो आपको बाद में सीट नहीं मिल पाएगी उस टाइम पर जाने के लिए। तो आप, अच्छा होगा कि अभी से ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ताकि आप अपना हेलीकॉप्टर भी बुक कराना चाहें तो वो भी करा लें और अपनी यात्रा डेट तय कर लें। तो आज हम बताएंगे आपको कि किस तरह से आप अपना वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप घर बैठे भी मोबाइल से कर सकते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको मोबाइल से किस तरह से आप कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें मांगती हैं। एक छोटा सा फॉर्म होता है, उसको भर के आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं फिर किस तरह से इस रजिस्ट्रेशन को आप कर सकते हैं। तो आपको चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन के लिए करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर डाल दीजिए चारधाम यात्रा गूगल पे, चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन। आप गूगल क्रोम में इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप डालेंगे तो सबसे पहले जो ये वेबसाइट खुल रही है, registrationtouristcare.uk.gov.in, इस पर आपको साइन इन करना है। इसको आपको क्लिक करना है और उसके बाद कुछ इस तरीके से ये पेज खुल के सामने आएगा। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से पेज आता है और आपको अपनी इसमें कुछ डिटेल्स भरनी है। तो जैसे आपको, आप टूर ऑपरेटर हैं या आप इंडिविजुअल जा रहे हैं या फैमिली के साथ। तो जैसे अगर आप माना दो लोग जा रहे हैं फैमिली मेम्बर, तो फैमिली पे आप क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आपका नेम मांगेगा, तो आपको अपना नाम डालना है। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना है जो आपके पास है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड बनाना है और उसके बाद आप फिर इसमें एंट्री करेंगे। तो हमने ये सब कर लिया है, मैं आपको सीधे दिखाता हूँ जब आप इसको कर लेंगे उसके बाद क्या होता है। इसको लॉगिन करने के बाद, इसको साइनअप करने के बाद, अब यहाँ पे फिर ये मांगेगा दोबारा से फ़ोन नंबर और पासवर्ड। उसके बाद आपका अंदर फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना है। तो कुछ इस तरह से प्रोसेस करनी है, उसके बाद आपको कर लेना है साइन इन। तो साइन इन करते ही फिर आपके बारे में आ जाएगा यहाँ पे क्या क्या आपकी डिटेल्स हैं। तो जैसे ही आप इसको वेबसाइट को खोलेंगे तो इस तरीके का कुछ आ जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, और यहाँ पे फिर व्यू लिखा हुआ है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल, फिर डाउनलोड रजिस्ट्रेशन। तो आपको इसमें करना है रजिस्ट्रेशन फॉर टूर, सबसे पहले वाले पे आपको क्लिक करना है। इसी में आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। ये देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है चार धाम, तो चार धाम इसमें रहने देना है क्योंकि आपको चार धाम यात्रा करनी है। और जो आपकी चार धाम यात्रा होगी या दो धाम एक धाम जो भी आप यात्रा करते हैं, मैक्सिमम ये 15 दिन की होगी। तो 15 दिन के अंदर ही आपको ये यात्रा करनी है। तो उस हिसाब से अपने आप डेट डाल दीजिए आपको कितने दिन की यात्रा करनी है। जैसे मान लीजिए हमको करनी है 16 तारीख से लेके और 21 तारीख तक, ठीक है। इस तरीके से अगर हमको यात्रा करनी है, तो ये सब डाल के फिर इसको डेट को कर देना अप्लाई, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम टूरिस्ट आप कितने लोग जा रहे हैं वो डालना है आपको। तो यहाँ पे एक फैमिली मेंबर में जैसे आप जा रहे हैं तो मैक्सिमम 12 जा सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12 मेंबर ही इसमें अलाउड है। तो जैसे मान लो दो लोग हम जा रहे हैं तो दो लोग डाल देंगे, और जितने भी लोग जाएंगे उनका फिर डाटा डालना होता है। अब डालेंगे यहाँ पे बाय रोड जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं या पैदल जा रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग बाय रोड ही जाते हैं, तो बाय रोड कर दीजिए। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो हेलीकॉप्टर कर दीजिए। तो इस टाइम मैं डालूंगा बाय रोड, ठीक है। बाय रोड डालने के बाद यहाँ पे डालना है कि आप कौन कौन से धाम पे यात्रा करेंगे। जैसे मैंने डाला केदारनाथ और बद्रीनाथ, दो धामों की यात्रा करनी है, और बद्रीनाथ, ठीक है। आप डालनी है डेट कि किस तारीख को आपको केदारनाथ की यात्रा करनी है और किस तारीख को आपको बद्रीनाथ की यात्रा। जैसे मैंने डाला 17 तारीख को केदारनाथ, और फिर उसके बाद 20 तारीख को हम करेंगे बद्रीनाथ की यात्रा। इस तरीके से ये सब फॉर्म फिल कर लेना है और इसको कर देना है सेव, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो ये दिखा देगा कि आपने सक्सेसफुली इसको सेव कर लिया है। उसके बाद एक फॉर्म आ जाएगा सामने आपका, उसको आपको एक बार फिर से भरना है। जैसे कि यहाँ पर आपका नाम मांगेगा, तो अपना नाम डाल दीजिए, ठीक है। एज,
ईमेल एड्रेस आप चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भी चाहें इसको इसको कोई कंपलसरी नहीं है। और फ़ोन नंबर डालना है आपको जो आप यात्रा के दौरान अपने साथ ले जाएंगे। और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर मांगेगा तो आपको आधार कार्ड नंबर भी डालना है, फिर कंट्री डालनी है, ठीक है। आपको यहाँ पे फिर डालना है कि क्या क्या चीज़ें डाले जाएगी, जैसे मेल, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालेंगे आप अपना, ठीक है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे मांगेगा आपका एड्रेस, यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है, सिटी डालनी है, डिस्ट्रिक्ट डालना है और किस स्टेट से आप हैं वो डालना है। इसके अलावा आपको एक ऐसे कॉन्टैक्ट, ऐसे इंसान को कॉन्टैक्ट देना है जो आपका घर का फैमिली मेम्बर हो या दोस्त हो, जिसको इमरजेंसी में कॉल की जा सके और वो आपके साथ ट्रैवल ना कर रहा हो, घर का मेम्बर जो घर में रहे, तो उसका आप एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। और एक इमरजेंसी नंबर भी मांगते हैं ये, और एक रिलेशन में कोई हो उसका नंबर, तो तीन चार ही नंबर मांगेंगे। ये सब आपको अपने फैमिली मेम्बर या दोस्तों के नंबर इसमें फिल करने हैं, जिसको इमरजेंसी के टाइम पे आपको कॉल कर सकें, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि अगर आप डॉक्टर के प्रोफेशन से हैं तो आप इसको इसमें टिक करना है, लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपको इसमें कोई टिक नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पे अब डालना है कि आप किस गाड़ी से आ रहे हैं, जैसे बस से आ रहे हैं, कार से आ रहे हैं, टैक्सी से आ रहे हैं, तो जैसे अगर कोई प्राइवेट कार से भी आना चाहे तो प्राइवेट कार डाल दीजिए यहाँ पे अपना। और ताकि अब जैसे हमें आना है, मान लीजिए बस से आना है, तो बस का हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे मांग रहा है ड्राइवर का नाम और व्हीकल नंबर, तो ये तो अभी हमें पता नहीं है, जैसे हम हरिद्वार से बस लेंगे तो इसमें अभी हमको अभी पता नहीं है, तो वहीं जाके अब पता चलता है। अब डालना है यहाँ पे आपका एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, तो आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो डाल लीजिए, या फिर फ़ोटो खींचने का ऑप्शन है उसको भी ले सकते हैं। इसके बाद एक आइडेंटिटी प्रूफ डालनी है आपको, जैसे आप आधार कार्ड से करना चाहें तो आधार कार्ड से कर लीजिए, तो आधार कार्ड सेलेक्ट करके अपना आधार कार्ड की एक फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका ये जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको करना है इसे सेव, और जैसे ही सेव हो जाएगा फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जिसको दिखा के आप आगे यात्रा कर सकेंगे उस टाइम पे जब आपको यात्रा करनी होगी। और इसको डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा, जैसे आप आगे गए थे वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन था, वहीं जाके आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों जब आपका यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब आप बाहर आएंगे दोबारा से, तो इस तरीके का फिर से एक इंटरफेस आएगा। अब इसमें देखिए एक तो आ रहा है व्यू मॉडिफाई टूल, ये तब आपको यूज़ करना है कि अगर आप जैसे कोई मेंबर बढ़ाना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं, हो सकता है किसी का प्लान कैंसिल हो जाए, तो यहाँ पे जाके आप इसको कैंसिल कर सकते हैं या घटा बढ़ा सकते हैं मेंबर्स को, तो उसके लिए ये आता है। इसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन यूज़र मैनुअल आता है, अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप पढ़ लीजिए क्या क्या यहाँ के जाने के नियम हैं। इसके बाद ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ये डाउनलोड रजिस्ट्रेशन लेटर एंड सर्टिफिकेट, तो इस पर आपको क्लिक करके अपना जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड करना है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक स्कैन कोड आता है, मैं दिखाता हूँ आपको, आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है कंप्लीट, और ये ऊपर से आपको स्कैन करने का नज़र आ रहा होगा, ये जब आप किसी धाम पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको देखा जाएगा ये, और ये आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई है, कौन कौन आपके साथ हैं सबकी डिटेल्स यहीं पर आ गई है। तो इस तरीके से घर पर बैठे आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है, मुश्किल से 10 मिनट लगे, तो आप बस अपनी एक इमेज, बस आप इस तरीके से अपना एक रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी कर सकते हैं। तो यात्रा करने से पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। और अगर आपको जिस डेट को जाना है, उस डेट को अगर आपको यहाँ पे सीट नहीं खाली मिलती है, तो फिर आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जो कि होते हैं हरिद्वार और ऋषिकेश से। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है तो फिर आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा हरिद्वार या ऋषिकेश से। तो दोस्तों हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कैसे आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं घर बैठे, और ऑफलाइन भी अभी आपके लिए हम वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश में ऑफलाइन जो है रजिस्ट्रेशन होते हैं उसकी हम आपको फुल डिटेल देंगे, कहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑफलाइन आके, तो वो भी आपको वीडियो देखने को मिलेगी जल्दी। तो कमेंट करके बताना आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ऐसी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।